स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। नंबर फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन 75 डिग्री, और सेकंड पार्ट है हमारा टैन 15 डिग्री। ये दो वैल्यू हमें निकालनी है। तो 75 की कोई टेबल तो है नहीं बुक में, तो 75 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता हो। अगर उनकी वैल्यू हमें पता होगी उसी में जोड़ देंगे। अब 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 30। 45 की वैल्यू भी पता है और 30 की भी वैल्यू, क्या हो जाएगा? साइन 75 को क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 30 लिख दिया। अब हमें पता है, वी नो दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वेयर ए इज इक्वल टू 45 एंड बी इज इक्वल टू 30। यहां साइन 45 प्लस 30 इक्वल टू ए की जगह 45 पुट करेंगे और बी की जगह 30 इसमें, तो साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 और साइन 30 डिग्री। अब कॉस साइन 45 क्या होता है? 1/√2, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई करो, √3 बन जा 3, 2√2, 1 बन जा 1, 2√2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लो, क्या आ गया? 2√2 ऊपर √3 + 1, ये आंसर हो गया। चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो, 2 से ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखिए सेकंड पार्ट, टैन 15 डिग्री है। टैन 15 को हम क्या लिख सकते हैं? जिनकी वैल्यू पता हो वैसे सुनी भागों में तोड़ना। 45 में अगर 30 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? ये अब टैन ए माइनस बी का फॉर्म बन गया। टैन ए माइनस बी क्या होता है? वी नो दैट टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। ये ए है और ये बी, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। टैन 45 माइनस 30, ए की जगह क्या है हमारा? 45 और बी की जगह 30। क्या करेंगे? टैन 45 और टैन 30 इसको कर देंगे तो टैन 15 45 में वही 15 डिग्री आ जाएगी जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। टैन 45 की वैल्यू 1√30 की 1/√3, ये 45 की 1√30 1/√3, या एलसीएम ले लो √3 - 1/√3, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 है। उसी तरह यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा, फिर इधर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 + 1, ये कैंसिल, क्या आ गया हमारा? √3 - 1/√3 + 1। अब इसको रेशनलाइज कर दो
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट माइनस ये, तो क्या बन जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री माइनस टू ए बी तो टू रूट थ्री, बी स्क्वायर वन, नीचे रूट थ्री का स्क्वायर थ्री वन का स्क्वायर वन, थ्री वन फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू, टू कॉमन ले लो तो टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, टू टू कैंसिल, क्या आ गई रूट थ्री की वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। आसान है बशर्ते फार्मूला याद होना चाहिए, एक फार्मूला पे वीडियो बना देंगे और अच्छे से समझा देंगे। अगर बच्चों क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मैं आप लोगों को जो भी वीडियो बनाऊं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।